हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फाइलम सिलेंड्रेटा इसकी जो पैकेलियर एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फाइलम पोड्रीफेरा के बारे में एंड टाइप स्टडी ऑफ स्काइफा फर्स्ट जो फाइलम सिलेंड्रेटा है यानी ये जो सिलेंड्रेटा वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है सिलेंड्रेटा में सील वर्ड कैविटी के लिए एंटर का मीनिंग होता है इंटस्टाइन एंड एटा का मीनिंग होता है ग्रुप यानी कि इनके अंदर क्या है एक कैिटी लाइक इंटस्टाइन या फिर एक इसके अंदर कैविटी uh, या फिर एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी सिलेंट्रोन प्रेजेंट होंगे इनको निडेरिया भी बोलते हैं निडेरिया में जो वर्ड नाइड है उसका मीनिंग होता है स्टिंगिंग सेल यानी ये बॉडी को डिफेंस करने के लिए स्टिंग करेंगे किसी दूसरे जो भी प्रे जो भी दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर ये एक नाइडोब्लास्ट सेल है जिसके अंदर ये, ये, ये निमेटोसिस्ट होता है और ये इसके अंदर थ्रेड प्रेजेंट होता है तो वन बाय वन अब इसके पैकेलियर फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे पैकेलियर फीचर्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्गेन फॉर्मेशन नहीं होती है अगर अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो उसके अंदर सेल्स के एग्रीगेट प्रेजेंट थे कोई ट्रू टिश्यू नहीं प्रेजेंट था इसके अंदर टिश्यू तो प्रेजेंट है लेकिन कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट गट होती है यानी कि इसके अंदर जो पोर्स होते हैं इंजेसन और इंजेक्शन के लिए वो अलग अलग नहीं होते सिर्फ इसके अंदर एक ही पोर प्रेजेंट होता है जो क्या करेगी इनकम्प्लीट गट फॉर्म करेगी प्रजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट इन द एपिडर्मिस जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है जो डिफेंस एंड ऑफेंस का काम करेगी फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर इसके बाद जो मायो ऐपीथीलियल सेल्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है और ये जो मायो ऐपीथीलियल सेल्स हैं बॉडी वॉल की जो गैस्ट्रोडर्मिस है उसके अंदर प्रेजेंट होगी इसके बाद अगर इन लेयर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है एक गैस्ट्रोडर्मिस है और एक एपिडर्मिस है तो एक हमारी एपिडर्मिस होगी और एक अंदर की लेयर क्या होगी गैस्ट्रोडर्मिस होगी जिसको इस अब इसके अंदर एक मोस्कुलर न्यूट्रिटिव मॉस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है एपीथीलियल एपीथीलियो मॉस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है और इस एपीथीलियल यानी कि जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या है नाइडो साइट्स प्रेजेंट है जो सेल्स है स्टिंगिंग सेल्स हैं नाइडो ब्लास्ट वो प्रेजेंट है इसके अलावा इसके अंदर फूड वेक्यूल्स ग्लैंड सेल्स और इंटस्टीसियल सेल्स प्रेजेंट होती है नेक्स्ट फीचर इज इसके अंदर जो डाइजेशन होता है पार्सली इंटरसेलर होता है और पार्सली इंट्रा होता है प्रेजेंस ऑफ सिलेंड्रॉन और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इसके अंदर एक मिडल जो होता है इसका एक जो सिलेंड्रेटा फाइलम होता है उसके अंदर उसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्या होगा मिडल के अंदर एक सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी जैसे कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर स्पोंजोसील प्रेजेंट थी इसके अंदर सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी यहाँ पे इसके बाद मोस्ट ऑफ जो आ, सिलेंट्रेट्स हैं वो पोलीमोरफिजम शो करते हैं पोलीमोरफिजम का मीनिंग क्या होता है पोली यानी कि मैनी एंड मोरफिजम यानी कि मोफ्स यानी कि फॉर्म्स बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर ये पाए जाते हैं कुछ फॉर्म्स न्यूट्रिटिव फॉर्म हो सकती है और कुछ फॉर्म रिप्रोडक्टिव फॉर्म हो सकती है अलग अलग टाइप की फॉर्म प्रेजेंट होती है और इन फॉर्म्स को बोलते हैं जॉइड्स तो कुछ गोनोजॉइड्स होंगे फाइलोजॉइड्स होंगे गैस्ट्रोजॉइड्स होंगे डेक्टाइलोजॉइड्स होंगे तो अलग अलग टाइप के जो जॉइड्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगी या फिर मोव्स या फिर फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी इसके बाद इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज़ टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो गोनेंट्स है वो सिंपल गोनेंट्स होती है और विदाउट गोनोडक्ट कोई गोनोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है और जो डिवेलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है तो इसके अंदर प्लैनुला लार्वा के थ्रू इनडायरेक्ट होती है प्लेनुला लार्वा क्या करेगा इसकी इसको नेक्स्ट अडल्ट फॉर्म करवाने में हेल्प करेगा तो ये कुछ पैकिलियर फीचर्स थे फाइलम सिलेंट्रेटा के इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो, वो क्या क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर क्या होगा सबसे फर्स्ट हैबिटेट यानी कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है जहाँ पे जो भी जगह ये ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ सिलेंड्रेट मिराइन होते हैं लेकिन कुछ जो स्पीसीज़ होती हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी होती है जैसे कि हाइड्रा हो गया इसके बाद ये सीडेंट्री हो सकते हैं सीडेंट्री का मीनिंग है ये एक ही जगह पे किसी सबट्रैक्टम के ऊपर अटैच होकर रहेंगे जैसे कि कोरल्स हो गए ओबिलिया हो गया कुछ होते हैं फ्री स्विम फ्री स्विमिंग वाले क्या करेंगे फ्रीली स्विम करेंगे अपने आप और ये क्या होते हैं जैसे कि ओरिलिया हो गया और फ्री फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग वाले क्या करेंगे वाटर करंट के साथ फ्लोट करेंगे जैसे जिस साइड वाटर करंट जाए करंट जाएगा उसी के साथ ये फ्लोट करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा फाइजेलिया एपी जो एक जू एंथस जो सिलेंड्रेट होता है वो शो करता है इसके बाद सिम्बोसिस एडमेसिया शो करता है सोलेंट्री यानी कि सिंगली रहेगा ये हाइड्रा होगा जैसे कि और कॉलोनियल जैसे कि फाइजेलिया होगा जो कि कॉलोनीज के अंदर हैबिटेट करेगा तो ये हैबिटेट हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट फीचर होगा इसका ऑर्गेनाइजेशन टीसू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है कोई इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे इसके बाद सिमिट्री सिमिट्री या तो इसके अंदर रेडियल सिमिट्री हो सकती है जैसे कि टेट्रामीरस होगी स्काइफोजोन्स के अंदर हेक्सामीरस होगी फंगस के जो फंगस है उसके अंदर हो जाएगी टेट्रामीरस के अंदर क्या होगा या तो जो बॉडी है वो फोर के अंदर डिवाइड होगी या फिर मल्टीपल ऑफ़ फोर के अंदर होगी चार हो सकता है आठ हो सकता है तो मल्टीपल ऑफ़ फोर के अंदर होगी हेग्जामिरस में भी या तो वो सिक्स हाउस सिक्स इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी या फिर वो मल्टीपल ऑफ सिक्स के अंदर डिवाइड होगी जैसे कि यहाँ पे क्या होता है फंजिया होता है आई ए बाई रेडियल सिमिट्री किसके अंदर होती है सी एनिमोन्स के अंदर प्रजेंट होती है जो कि दो इक्वल हाउस के अंदर क्या करेगी इसको डिवाइड करेगी इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा जम लेयर्स डिप्लोप्लास्टिक होता है डिप्लोप्लास्टिक का मीनिंग है इसके अंदर जो जम लेयर्स हैं वो दो होगी एक एंडोडम होगी और एक एक्टोडम होगी एक एंडोडम होगी और एक एक्टोडम यहाँ पे प्रेजेंट होगी बॉडी वॉल्स भी कैसी होंगी दो ही बॉडी वॉल्स होगी एक एंडोडम होगी और एक एक्टोडम होगी जिसको हमने क्या बोला है एक होगी और एक एपिड्रोमिस होगी तो बाहर वाली क्या होगी यहाँ पे ये एपिडर्मिस हो जाएगी और अंदर वाली ये वाली क्या हो जाएगी इसके अंदर गैस्ट्रोड्रमिस हो जाएगी एपिडर्मिस क्या हो होती है प्रोटेक्टिव होती है सिक्रेटरी होती है मोस्कुलर होती है सेंसरी और नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन होती है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं नाइडो साइट्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि जो स्टिंगिंग सेल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होगी ये जो स्टिंगिंग सेल है जैसे कोई इसके ऊपर प्रे है वो अटैक करेगा तो उस टाइम पे ये स्टिंगिंग सेल्स क्या करेंगी एक टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं हाइपनोटॉक्सिन हाइपनोटॉक्सिन ये क्या करेगी सिक्रीट कर देगी उस प्रे के अंदर और वो जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाएगा इसके बाद अगर गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें जो इनर लेयर है उसकी बात करें तो ये कैसी होती है ये बेसिकली बनी होती है जो कॉल्यूमुलर फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनकी बनी होगी डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी मस्कुलर एंड इन इनफंक्शन होगी इसके बाद जो एपिडर्मिस एपिड्रमिस है और जो गैस्ट्रोड्रमिस है उसके बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मीजोगलिया या फिर मिडल लेयर और इसको मीजोचाइम भी बोलते हैं तो ये तीन लेयर्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगी इसके अलावा यहाँ पे इंट्रस्टीसियल सेल्स प्रेजेंट होंगी ये जो इंट्रस्टीसियल सेल्स हैं ये इंट्रस्टीसियल सेल्स दोनों जो लेयर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है यानी कि गैस्टोड्रमिस एज वेल एज एंड एपिडर्मिस दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी और ये जो इंट्रस्टीसियल सेल्स है वो टोटीपोर्टेंट सेल्स होती है प्रोटीपोटेंट क्या करेगी इनके पास पोटेंसी होती है अलग अलग सेल टाइप के अंदर क्या करने की डेवलप होने की तो ये रीजनरेशन के अंदर हेल्प करेगी इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट जो फीचर होगा इसका बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसका नाम ही क्या है सिलेंड्रेटा है तो इसके अंदर सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अलावा ये ए सिलोमेट्स होते हैं सिलेंड्रेट्स क्योंकि इनके अंदर कोई सेकेंड बॉडी कैविटी नहीं होती है इसलिए इनको ए सिलोमेट्स बोला जाता है इसके बाद बॉडी फॉर्म पोलीमॉरफिजम शो करते हैं ये पोलीमॉर्फिजम का मीनिंग क्या हो गया बहुत सारी मोव्स के अंदर रखकर होते हैं ये और इन मोव्स को क्या बोला जाता है जॉइड्स बोला जाता है जैसे कि फाइजेलिया हो गया पोर्पिटा हो गया इनके अंदर क्या होता है ये पोली शो करती हैं इनके अंदर अलग अलग टाइप के जॉइड्स प्रेजेंट होंगे जो इनके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इसके बाद नेक्स्ट इज द स्केल्टन इसके अंदर स्कैल्टन कैसा प्रजेंट होता है अगर एग्जो स्केल्टन प्रजेंट है इनके अंदर एग्जो स्केल्टन में के अंदर क्या होगा या तो पेरिसार्क हो सकता है जैसे कि ओबिलियन ट्यूबलेरिया के अंदर इसके बाद कैल्सेरियस पिक्यूल्स हो सकते हैं ट्यूबलेरिया के अंदर मैसिव कैल्सेरियस सीनोसीटियम होता है मिलीफोरा के अंदर एंड नेक्स्ट हॉर्नी मटेरियल हो सकता है जिसको गोरगोनियम बोलते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है गोरगोनिया के अंदर इसके बाद मैसिव एंड ब्रांच्ड कोलोनियल स्कैल्टन प्रेजेंट हो सकता है जिसको बोलते हैं कोरालम कोरालम प्रेजेंट होता है मेड्री के अंदर एंडोस्कैल्टन अगर इनके अंदर प्रेजेंट होता है तो एंडोस्कैल्टन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा सेपरेट कैल्सियरियस पिक्यूज की फॉर्म में जिसको बोलते हैं सीनोचाइन जो कि एल्साइनोनीम के अंदर प्रेजेंट होता है एग्जियल रोड ऑफ कैल्सीफाइड होन जो कि पैनिटूला के अंदर प्रेजेंट होता है इसके अंदर क्या है एग्जियल में एक सेंटर में ऐसे रोड प्रेजेंट होगी और ऐसे इसकी ब्रांचेस प्रेजेंट होगी इसके बाद कुछ जो सिलेंड्रेट्स हैं उनके अंदर स्कैल्टन एबसेंट होगा लैक होगा स्कैल्टन तो वो जैसे कि सी एनिमोन के अंदर और इसके अलावा गैस्ट्रोवोस्कुलर कैविटी के अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूड और ये फ्लूड क्या करता है हाइड्रोलिक स्कैल्टन फॉर्म करता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैल्टन सिलेंड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है कार्निवोर्स एंड होलोजोइक हो सकते हैं न्यूट्रिशन के अंदर ये तो या तो ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं यानी कि और ये होलो जो एक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं यानी कि ये क्या करेंगे इंजेशन करेंगे डाइजेशन करेंगे देन इंजेशन करेंगे अब इसके अंदर क्या होता है गट इसके अंदर इनकम्प्लीट होती है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर क्या होता है एनस प्रेजेंट नहीं होती सिर्फ इसके अंदर एक माउथ प्रेजेंट होता है जो cilantro, cilantro, जो कि सिलेंट्रीन सिलेंट्रीन जो सिलेंट्रोन होती है उसके अंदर लीड करता है यानी कि जैसे ये सिलेंट्रोन हो गई तो इसके अंदर ये माउथ प्रेजेंट होगा और फूड ऐसे अंदर आएगा इसके अंदर इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट डाइजेशन डाइजेशन जो है इसके अंदर पार्शली इंट्रासेलुलर होगा एंड पार्सली इंट्रासेलुलर होगा पार्सली इंट्रासेलुलर हो सकता है और पार्सली इंटर इंट्रा इंट्रा एंड इंटरसेलुलर दोनों टाइप से हो सकता है जो पार्सली इंटरसेलुलर है इंटरसेलुलर है तो ये किसके अंदर होगा सिलेंट्रोन के अंदर होगा हो जो ये कैविटी प्रजेंट है उसके अंदर होगा और अगर ये इंट्रासेलुलर है तो इंट्रासेलुलर किसके अंदर होगा गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर होगा इसके अलावा जो सिलेंड्रॉन्स हैं वो जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर अमाइलेज जो इनजाइम होता है वो एब्सेंट होता है इस वजह से ये स्टार्च को डाइजेस्ट या फिर ब्रेकडाउन उसका नहीं कर पाएंगे इसके बाद नेक्स्ट इज़ द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एरोबिक एंड अमोनोटेलिक होते हैं यानी कि अमोनिया जो है इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और एरोबिक इन ये एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो शो करते हैं और ये जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू नेक्स्ट इज द सर्कुलेशन सर्कुलेशन इसके अंदर कैसे होता है जो भी फूड होगा वो सर्कुलेट किया जाता है पार्सली बाई पेरिस्टाल्टिक एक्शन यानी कि जो सिलेंड्रोन कैविटी जो जो पैरागैस्ट्रिक गैस्ट्रोवर कैविटी है उसके अंदर पेरिस्टाइल्टिक एक्शंस होते यानी कि इसके अंदर जो आ, मसल्स होंगी वो क्या करेंगी यहाँ पे उनकी हेल्प से पेरिस्टाल्टिक एक्शन होंगे इसके बाद पार्सली बाय बीटिंग ऑफ फ्लेजिला ऑफ गेस्ट्रोड्रमलल लेयर जो गैस्ट्रोड्रमलल लेयर है उसके अंदर जो फ्लेजिला प्रेजेंट है उनकी बीटिंग से पार्सली जो फूड है वो नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इसके अंदर फ्लेक्जीफॉम डिफ्यूज साइनेप्टिक टाइप का होता है जिसके अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो नेटवर्क फॉर्म करेंगी और जो न्यूट्राइट्स है वो लोकेट करेंगी एपिड्रमिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर नर्व सेल्स यहाँ पे मल्टीपोलर होंगी मल्टीपोलर टाइप की नर्व सेल्स होंगी और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो भी अनडिफ्रेंशिएटिड होगा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा नेक्स्ट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी कि इसके अंदर सेंसेशन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रजेंट होते हैं सेंसेशन के लिए इसके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है वो एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको सेंसरी सेल्स बोलते हैं और ये सेंसरी सेल्स जो हैं ओ सिलाई हो सकती है फोटो रिसेप्शन के लिए और पीट्स हो सकते हैं स्मेल के लिए एंड स्टेटोसिस्ट हो सकता है इक्वरियम के लिए नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट यानी इसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है सिलेंट्रेट्स जो होते हैं ई सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं ए सेक्सुअल होती है एक्सटर्नल बर्डिंग के थ्रू सेम जैसे कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर होती है एक्सटर्नल बर्डिंग के थ्रू क्या होगी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगी जोइड्स के थ्रू और इन जॉइड्स को बोलते हैं मेड्यूसे तो इन मेड्यूसे की हेल्प से क्या होगी ये मेड्यूसे क्या करेंगे गैमिट्स प्रोड्यूस करेंगे और उन गैमिट्स की हेल्प से क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है औरलिया के अंदर एक्सटर्नल होती है ओबिलिया के अंदर यानी कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन यहां पे प्रेजेंट होती है क्लीवेज जो है इसके अंदर होलोब्लास्टिक एंड रेडियल होती है इनकी कंप्लीट क्लीवेज होती है वो भी कैसी होती है रेडियल क्लीवेज होती है जैसे पोरीफेरा के अंदर कैसी प्रेजेंट थी होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल थी इसके अंदर होलोब्लास्टिक एंड रेडियल क्लीवेज प्रेजेंट होती है और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है एक लार्वा होता है जिसको बोलते हैं प्लेनुलर लार्वा उसके थ्रू क्या होती है प्लेनुलर लार्वा के थ्रू इसकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन होता है जैसे कि हाइड्रा हो गया हाइड्रा के अंदर कैसी होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसके अंदर कोई बीच में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंड्रेटा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप स्टडी ऑफ सिलेंड्रेटा थैंक यू सो मच